भारतीय जनता पार्टी मत्स्य प्रकोष्ठ के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से 6 क्षेत्रों में बांटा गया है, 6 क्षेत्रों में मत्स्य प्रकोष्ठ का 6 कार्यक्रम, मछुआरा प्रकोष्ठ का होने जा रहा है। गोरखपुर क्षेत्र, काशी क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र, 6 क्षेत्रों में कोई न कोई हमारे प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों ने कहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे वरिष्ठ जो मंत्री हैं उनको मुख्य अतिथि बना करके एक कार्यक्रम 6 क्षेत्रों में किया जाएगा। इसके निष्पक्ष हमने आप सबके माध्यम से ये पूरे मत्स्य प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन करके ये सभी मछुआरों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से तिवारा माननीय मोदी जी को इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस करके मछुआरा आगे बढ़ करके आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर संजय निषाद ने एक रैली की थी सरकार पर दबाव बनाने के लिए, कुर्सियां खाली रही, वो कहते हैं कि निषाद समाज उनके साथ है। मछुआरा समाज कभी किसी के बहकावे में नहीं आया, हमेशा से सही दिशा में काम करने के लिए वो तत्पर है, हमेशा से करते आया है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला है। कोई अगर ये कहता हो मछुआरा समाज किसी दूसरे के बहकावे में है तो ये गलतफहमी उस व्यक्ति की होगी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये मछुआरा समाज किसी के साथ कभी न रहा है, न आगे रहेगा। निश्चित तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, इन दोनों लोगों के कार्यों से, इन दोनों लोगों के नीतियों से और प्रभावित होकर के और ज़्यादा उत्साह में अब एकत्रित होकर के प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए एक एक वोट, न जो नए वोट आ रहे हैं उनको भी वोटर बना करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए एकदम निरंतर काम कर रहा है और इनको प्रचंड बहुमत से जिता के तीसरी बार लगातार अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को फिर से देखना चाहता है। भाजपा लगातार दावे कर रही है कि 80 में से 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में जीतेंगी। इंडिया गठबंधन भी दावे कर रहा है कि वो जो है इस बार बेहतर काम करेगा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने 16 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, कैसे देखते हैं गठबंधन? पूरे उत्तर प्रदेश में मछुआरा समाज की तादाद कम से कम 16-17% आबादी का है। मैं समझता हूं कि ये मछुआरा समाज अब किसी के बहकावे में नहीं, ना ही किसी के गुमराह करने से गुमराह होगा, बल्कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं और जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ निरंतर निचले पौधान, जो सबसे निचले पौधान के व्यक्ति का भी विकास देखना चाहते हैं, इससे प्रभावित होकर के ये महसूस करने लगा है कि अगर हम लोगों का सबका अगर हित है, हम लोगों का कोई संवैधानिक अधिकार दे सकता है, हमारे अधिकार को सुरक्षित रख सकता है, तो और कोई इस देश का अभी तक का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया। अगर आया कोई तो पहला ऐसा व्यक्ति इस देश का एक चाय वाले का बेटा और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।